तो दोस्तों स्वागत है आपका युकेश बैट चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है बीरबल की योग्यता। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था, ये तो हम सभी जानते हैं। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना के रखा था। और ये तो स्वाभाविक है कि जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आपकी टांग खींचने वाले भी बहुत से लोग रहेंगे। इसी कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते भी थे। अब इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हर बार की तरह उन्हें मुंह की खानी पड़ती थी। अब चूंकि बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह भी उससे कुछ ज्यादा नहीं बोल पाते थे। एक दिन की बात है कि बीरबल की गैर मौजूदगी में साले साहब ने बादशाह अकबर से दीवान पद की मांग कर डाली और कहा कि बादशाह सलामत, जब आप बीरबल को इतना बड़ा पद दे सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं। अब अकबर काफी सोच में पड़ गए, था तो उनका साला। तो बादशाह अकबर ने साले साहब के परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने अपने साले साहब से कहा कि साले साहब, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दी है। लगता है कि किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। अब जाकर देख कर आओ क्या यह बात सच है कि नहीं। साले साहब बोले कि हुजूर, ये तो छोटा सा काम है, मैं अभी गया और देख कर आता हूँ। साले साहब झट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं कि आपकी बात सच है हुजूर, महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। अब अकबर ने कहा कि अच्छा, जरा यह बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, यह तो मुझे नहीं पता हुजूर, मैं अभी जाता हूँ और पता करके आता हूँ महाराज। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे चले गए और वापस आकर कहते हैं कि महाराज, बिल्ली ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। अब अकबर ने फिर पूछा कि अच्छा, जरा यह बताओ कि उन 5 बच्चों में से कितनी मादा है और कितने नर हैं। साले साहब ने जवाब में कहा कि हुजूर, मैंने तो यह देखा ही नहीं, मैं अभी देख कर आता हूँ। इतना कहकर वह फिर महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर बादशाह सलामत को कहते हैं कि महाराज, बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर हैं और 2 मादा हैं। अब अकबर ने अपने साले से फिर से एक सवाल पूछ लिया कि यह बताओ, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा कि हुजूर, मैं अभी फिर से देख कर आता हूँ। फिर बादशाह अकबर ने कहा कि अच्छा ठीक है साले साहब, रहने दो, बैठ जाओ। इतने में बीरबल राज दरबार पहुंच चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल, महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देख कर आओ कि क्या यह बात सही है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं अभी देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर वह बीरबल महल के पीछे देखने के लिए चले जाते हैं। अब वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया कि महाराज, कि बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। अब बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, बिल्ली कितने बच्चों की माँ बनी है, क्या तुम हमें बता सकते हो। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज 5 बच्चों की। अकबर ने फिर से एक सवाल किया बीरबल से कि बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा है और कितने नर हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि महाराज 3 नर और 2 मादा। अब बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया कि बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं, और बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि महाराज 2 नर बच्चों का रंग काला है और एक का बादामी है। अब महाराज अकबर ने अपने पास बैठे साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है साले साहब। अब साले साहब तो शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ ना बोल सके। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है हमें,
कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत और कठोर परिश्रम से उससे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लगातार लाते रहते हैं। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।